अभी अभी बीजेपी ने कहा है कि अजीत पवार ही सदन में एनसीपी के नेता हैं और उनका बिहेव ही मान्य होगा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि राज्यपाल ने अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता माना है। शेलार ने यह भी कहा कि अजीत पवार के द्वारा दी गई समर्थन की चिट्ठी पर ही राज्यपाल ने फैसला लिया है। शेलार उन खबरों के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया है कि जयंत पाटिल को विधानसभा ने एनसीपी विधायक दल के तौर पर मान्यता दे दी है और उन्हें व्हिप जारी करने का अधिकार मिल गया है। शेलार ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा कि फोटोग्राफर आपका फोटो भी आपकी, लेकिन इस रेस की फोटो फिनिश की जीत हमारी होगी। जीत देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ही होगी। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार की सुबह 8 बजे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार ने भी उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी की शनिवार की शाम को हुई बैठक में अजीत पवार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। एनसीपी ने उनके स्थान पर जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना है। अब तो कल शाम 5 बजे से पहले ही ये फैसला हो पाएगा कि आखिर सरकार महाराष्ट्र में किसकी बनती है।